विलयम में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे पुनः आपके साथ उपस्थित हूं। प्रश्न देखते हैं, द वांट ऑफ फैक्टर जिसे हम लोग आइट से इंडिकेट करते हैं फॉर ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। जब भी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन दिया हो ना, तो वहां पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसका डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो 100% आयोनाइज होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। 100% आयोनाइज हो जाएगा कब? डाइल्यूट तनु एक्वस जलीय सॉल्यूशन विलयन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज, आपसे पूछा जा रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोग पहले से भी जानते हैं वर्ग दो है बेरियम ना, बेरियम वर्ग दो है, तो वर्ग एक और वर्ग दो के हाइड्रोक्साइड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। द वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए डायल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज, तो आप इस प्रश्न का आंसर तब बना पाइएगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, कितना होगा, आपको जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ध्यान पर हो, और फॉर्मूला ध्यान पर अगर होगा तो बेरियम वर्ग दो का है तो इसकी संयोजकता दो होगी, तो इसका सूत्र हो जाएगा BaOH2। जब आप इसका आयोनाइजेशन कराइएगा, जब आप इसका आयनीकरण कीजिएगा, तो बेरियम पर दो प्लस मिलेगा और प्लस दो गो OH माइनस आयन मिलेगा। तो जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु को डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो डिसोसिएट करके एक बेरियम का और हाइड्रोक्साइड आयन का, हाइड्रोक्सिल आयन का दो, हाँ OH माइनस आयन दो और बेरियम का एक, तीन, एक अणु तीन में बदल जाता है, तो एक अणु डिसोसिएट करके तीन आयनों में बदल जाता है, इसीलिए इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई का मान तीन हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी। ध्यान में रखिएगा यहाँ एक है और यहाँ एक प्लस दो, दो और एक तीन, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर यहाँ पर आई का मान तीन हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, मैं जो भी इन प्रश्नों की बात करता हूँ तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं या IEC में पूछा गया प्रश्न होता है या एक आध ऐसे प्रश्न होते हैं जो बस अगले एग्जाम में बस आने ही वाले हैं। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान सेम है, बराबर है, हैज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर हैज द सेम वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4O3 एल्युमिनियम सल्फेट इफ ऑल आर 100% आयोनाइज्ड। मान लेते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट और जो ऑप्शन दिया हुआ है सब 100% आयोनाइज कर जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इन चारों इलेक्ट्रोलाइट्स में से किसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई का मान एल्युमिनियम सल्फेट के बराबर होगा। तो आपको ध्यान में आंसर कैसे बनाएंगे आप, जब एल्युमिनियम सल्फेट का आयोनाइजेशन कीजिएगा तो एल्युमिनियम का दो Al3+ मिलेगा, दो आयन, इसके एक अणु से एल्युमिनियम का दो आयन मिलेगा केटायन, और SO4 का तीन SO4 दो माइनस मिलेगा। ध्यान में रखिएगा एल्युमिनियम सल्फेट का आयोनाइजेशन कराते हैं अगर आप, तो एक एल्युमिनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल का आयनीकरण करते हैं अगर कंप्लीट 100% आयोनाइजेशन हो तो एल्युमिनियम का दो आयन और सल्फेट का तीन आयन मिलता है, तीन दो पांच, तो यहाँ वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान हो गया पांच। अब देखना है कि इन चारों में से किसका आयनीकरण कराएंगे तो पांच आएगा, तो ध्यान में रखिएगा ये पहला ऑप्शन देखते हैं K4FeCN6। जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ हो और वो बड़ा ब्रैकेट में हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, बड़ा ब्रैकेट का यूज किया गया हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, तो जटिल यौगिक का जब हम लोग आयनीकरण कराते हैं तो एक आयन मिलता है बड़ा ब्रैकेट वाला, इसके भीतर वाला नहीं टूटता है, एक आयन मिलेगा बड़ा ब्रैकेट वाला, अब बाहर में कितने पोटेशियम है, चार पोटेशियम और एक ये बड़ा ब्रैकेट के साथ, चार एक पांच, तो ए ऑप्शन का वॉन्ट ऑफ फैक्टर एल्युमिनियम सल्फेट के बराबर होगा। यहां जरा बी चेक कर लेते हैं, तो पोटेशियम दो और SO4 कितना है, एक,
तो एक और दो तीन, यहाँ वाटर फैक्टर तीन हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन में देखें अगर आप, तो एल्यूमिनियम एक और नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट NO3 माइनस नाइट्रेट आयन बोलते हैं, ये तीन और एक चार, यहाँ वाटर फैक्टर का मान होगा चार। यहाँ देखिए के थ्री एफ ई सी एन होल सिक्स में, एफ ई सी एन होल सिक्स ये आपका एक आयन बनकर निकलेगा और तीन के प्लस, तीन के प्लस तो यहाँ पे तीन माइनस होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में अगर यहाँ से हटाते हैं तो तीन और एक चार, यहाँ भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान चार ही रह गया। अतः हम लोगों का आंसर है वॉन्ट ऑफ फैक्टर पांच आता है एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द गिवन गिवन क्वेश्चन। अब देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो अभी मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा उसके लिए ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में मैं आपको और आगे भी बढ़िया से बताऊंगा, तो इसलिए फिलहाल उसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन चलिए फिर भी इसका आयनाइजेशन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे इसके लिए ये एक अणु पाँच आयनों में बदलता है। देखिए तो के फोर एफ ई सी एन होल सिक्स बड़ा ब्रैकेट, जब आप इसको जब इसका आप आयनाइजेशन कराइएगा ना, फोर के प्लस प्लस एफ ई सी एन होल सिक्स ये मिलेगा। तो कितना प्लस मिला, चार प्लस मिला, इसलिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे फोर माइनस होगा। तो गिनेंगे तो पोटेशियम आयन चार और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एक, एक और चार पाँच, वन टॉप फैक्टर पाँच के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको आंसर बनाया यहाँ पे पहला वाला। तो दो हम लोगों ने प्रश्न को देखा, एक आगे भी बात करते हैं। ये विलयन चैप्टर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो पूछा हुआ है या बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, या अगर किसी एग्जाम में नहीं भी आया है तो बस आप जो एग्जाम देने बैठिएगा ना उसमें आपको दिखाई देगा, इतना आत्मविश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एक क्वेश्चन और है ये एमसीक्यू थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द Which of the following aqueous solution has the, इनमें से किस aqueous solution में, इनमें से किस aqueous solution में क्या भाई has the highest boiling point, has the highest boiling point। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.1 m के एन ओ थ्री, 0.1 m के एन ओ थ्री, तो ये 0.1 m अगर ये बराबर दिया है सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 0.1 m एन ए थ्री, एन ए थ्री पी ओ फोर, पोटेशियम नाइट्रेट का 0.1 m दिया है, बी ऑप्शन में 0.1 m सोडियम फॉस्फेट दिया है, सी ऑप्शन में 0.1 m बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में 0.1 m ये आपका K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है। और कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो जो विलयन में ज्यादा आयन देगा उसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ज्यादा होगा, विलयन में जो अधिक आयन में टूटेगा, जो जिनके द्वारा दिए गए आयनों की संख्या अधिक होगी उसके द्वारा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी अधिक होगा। तो यहां पर K2 दो आइसो फोर माइनस एक, एक और दो तीन, यहां पर एक और दो तीन, यहां पर देखिए तीन सोडियम और फॉस्फेट एक, फॉस्फेट और तीन, ये तीन एक चार, यहां देखिए नाइट्रेट एक और पोटेशियम एक, एक एक दो, तो ये दो आयन में टूटेगा,
ये चार आयन में टूटेगा, ये तीन आयन में टूटेगा, ये तीन आयन में टूटेगा। तो सबसे ज्यादा आयन में टूट रहा है आपका सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट का एक अणु जलीय विलयन में अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इसका, तो चार आयन में कन्वर्ट होता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी सोडियम फॉस्फेट के लिए सबसे अधिक होगा। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सोडियम फॉस्फेट के लिए सबसे अधिक होगा, ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सोडियम फॉस्फेट के लिए सबसे अधिक होगा। एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर आप गौर करते हैं। इफ मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का तनु विलयन का इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, चौथा, इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ इज डबल ईडी, डबल्ड द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट के एफ विल बी, के एफ विल बी, और देखिए आप लोगों का ये प्रश्न का आंसर तो मैं बना ही रहा हूं, एक थोड़ी सी शिकायत है आपसे, थोड़ा लाइक कम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, आप वीडियो पूरा देखिए और उसको लाइक कीजिए ना। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लाता हूं, ये समझिए तो क्रीम है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा, तो आपके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उसको कम लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने वाले को भी बढ़िया लगेगा कि हाँ अभिषेक सर ने कुछ मेहनत किया, तो उनके स्टूडेंट ने लाइक कमेंट किया है, शेयर किया है, तो थोड़ा सा और हमें भी खुशी होगी कि हमारे सारे विद्यार्थी उस हमारे इस मेहनत को सार्थक कर रहे हैं, परीक्षा के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। चार को ऑप्शन दिया हुआ है, डबल्ड, हाफ डी, डबल्ड बी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाफ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड और डी ऑप्शन में दिया हुआ है अनचेंज्ड, अनचेंज्ड अपरिवर्तनशील। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन का, मैं आपको हिंदी के साथ साथ बता रहा हूं। कहा जा रहा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट अनु अवनमन स्थिरांक केएफ का मान क्या हो जाएगा, क्या भाई, इफ मोलालिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यदि किसी तनु विलयन के मोलालिटी को, तनु विलयन के मोललता को आप दुगुना कर दें तो उसके केएफ का मान क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा, तनु विलयन के मोलालिटी को डबल कर दीजिए तो उससे केएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मजाक की भाषा में बोलते हैं कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपको दिमाग में रखना है कि यदि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के मोलालिटी को, डाइल्यूट सॉल्यूशन के मोलालिटी को डबल कर दें, दुगुना कर दें, तो चूंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है और तनु विलयन है तो उसके केएफ के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के मोलालिटी को आप डबल कर देते हैं तो उसके केएफ का मान, यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो रिमेंस अनचेंज्ड रह जाता है ना, अपरिवर्तनशील रह जाता है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें यह भी ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज के लिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुराई दिखाना है, इस तरह का मैंने अभी जो प्रश्न यहां मैं देख रहा हूं,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने क्वेश्चन बैंक ले रखा है और क्वेश्चन बैंक से ही मैं आपको करवा रहा हूं। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है द मोलालिटी ऑफ, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए द मोलालिटी ऑफ 900 ग्राम, द मोलालिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो देखिएगा चार गो ऑप्शन दिया हुआ है, पहले तो ऑप्शन लिख दू, मैं लिख दू यहां पर फिर आपसे बात होगी। 50 एम, बी ऑप्शन एक देख रहे हैं हम लोग, 5 एम, सी ऑप्शन देख रहे हैं 55.5 एम, और एक डी ऑप्शन देख रहे हैं के नॉट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड, गणना नहीं की जा सकती है। तो ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न बहुत फेमस क्वेश्चन है और ट्रिकी है। द मोलालिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर, या वाटर या प्योर वाटर, यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे सकता है क्या है प्योर वाटर, नहीं लिखा हुआ है तभी कोई बात नहीं। तो वाटर अगर प्योर है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वाटर ही होता है, और ऐसे किसी विलयन के लिए यहाँ 900 ग्राम दिया हो, 500 ग्राम दिया हो, 500 ml दिया हो, 100 ml दिया हो, 1 लीटर दिया हो, कुछ भी दिया रहेगा, तो इसका जो आपका मोलालिटी आता है वो आप तो आपका 55.5 मोलालिटी का मान 55.55 या 55.56 भी कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में रखिएगा जल का 900 ग्राम दिया हो, 900 मिलीलीटर दिया हो प्योर वाटर का, तो उसका जो मोलालिटी होगा वो हमेशा 55.5 ही रहता है। ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी बना चुके हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप गर्द छोड़ा दीजिएगा ना। तो अब क्या करें भाई, जय हिंद करते हैं, जय हिंद मित्रों, धन्यवाद।